नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिलाध्यक्ष श्री जमुनादास पुरस्वानी जी ने भरत भटीजा जी को जिला सेक्रेटरी सचिव का पोस्ट दिया है और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो पार्टी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि झूलेलाल संघर्ष समिति इनमें वो बहुत एक्टिव हैं और समाज के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में ये संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने इनको ये जिम्मेदारी दी कि ये पार्टी को, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी में जोड़ेंगे। और जितना इन्होंने काम किया है उस काम को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे इनको, कि इनका भी नाम कहाँ ना कहाँ आगे आए और ये पार्टी के लिए समर्पित हो। आज जिला अध्यक्ष श्री जमुनादास पुरस्वानी जी ने, आमदार श्री कुमार एलानी जी ने और मैं सुखरानी भी साथ में थे, सबने मिलके भरत भटीजा जी को जिला में सचिव का पद दिया है। सबसे पहले तो भरत भटीजा को मैं बधाई देना चाहूँगा। वो उल्लासनगर 4 में रहते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के साथ जुड़े हुए हैं, वास्तव फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और श्वेता शालिनी जी के भी बहुत करीब हैं। श्वेता शालिनी जी ने इनकी समझो बहन जैसे ही लगती है, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, अच्छा काम करते हैं। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 4-5 नंबर में, जिस प्रकार आपने बोला कि थोड़ा बीजेपी का कम माहौल लग रहा है, तो 4-5 नंबर ये पूरा अच्छे से कवर करेंगे। मतलब जैसे 4-5 नंबर से कम 15-16 सीट बीजेपी की कम से कम आनी चाहिए। इस बार भरत भटीजा के ऊपर बहुत बड़ी आज जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उनसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस पार्टी में युवाओं को जोड़ना चाहूँगा, क्यों आज की जो जनरेशन है, युवा जनरेशन है, और जितनी युवा जनरेशन भाजपा से जुड़ेगी उतनी हमारी शक्ति, हमारी ताकत बढ़ेगी। तो देखा गया तो 4-5 नंबर में बीजेपी का जोर कम दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से उसको कहाँ तक बढ़ाओ? ये आप आगे देखिएगा। एक शुरुआत में जय श्री राम से करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।